दोस्तों, आप सभी लोग अपने हाथों में आजकल सोशल मीडिया की खबरें देखते हो। मुंबई में जब सबसे पहले सोशल मीडिया की स्टार्ट करने वाला जो साथी है जिन्होंने इसकी शुरुआत की, तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि भाई सोशल मीडिया पे अपने मोबाइल में हम कैसे बात करेंगे, तो हम लोग एक दूसरे को फोन करेंगे। लेकिन आप जिस आदमी को या जिस साथी को अभी आपके सामने हम बुलाने जा रहे हैं, तो न सिर्फ मुंबई बल्कि हिंदुस्तान के भी बड़े आदमी हैं, क्योंकि उनके वालिद इस मुल्क के बड़े शायर, और उन्होंने सामाजिक काम के अलावा मेडिकल के लाइन में बहुत सारी लाइनों में काम किया। बल्कि हम लोग तो उनको बोलते थे कि आप मीडिया में कैसे इतना टाइम दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने आमना सामना मीडिया जब उनका पहली बार आया और उसका प्रोग्राम इस अंदमान इस्लाम में हुआ, तो हम बहुत सारे लोग जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, तो हमको यकीन नहीं होता था कि हम इतने बड़े पैमाने पर इस मुल्क में सोशल मीडिया का दौर आएगा। उस दौर को हम लोगों के बीच लाने वाले भाई अजीम जो है हमारे रशीद अजीम साहब यहाँ है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हम लोग तो मीडिया में उनको सुनते ही हैं, जब भी कोई खबर देखनी होती है तो उनके चैनल के आमना सामना को हम तलाशते हैं, और उनकी टीम के जो साथी है शामिल पटेल वो या उनकी टीम का दूसरे साथी जरूर होते हैं। लेकिन आज का एक बेहतरीन मौका है कि हम चाहते हैं कि हमने उन्हें सोशल मीडिया में देखा, न्यूज के चैनल पर देखा, लेकिन आज हम उनके रूबरू होकर उनसे बात उनकी बातों को सुने, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जीवन है जिस पर सारे लोग काम कर रहे हैं उस पर भी कुछ रोशनी डालें। भाई रशीद अजीम साहब यहाँ बैठे हुए मंच पर सभी जिम्मेदार मेरे सामने मौजूद सैकड़ों की तादाद में सामान्य ग्राम एफएम के सदर जनाब पार्लियामेंट ऑफिसर साहब, जो हर साल इस मौके पर ये स्टेज सजाते हैं जहाँ से एकता का पैगाम पूरे मुल्क को पहुँचता है। अभी मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता जनाब निजामुद्दीन इब्राहिम साहब ने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया और मेरे तारीफ थे कि यहाँ पर अगर अकीदत में कुछ ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बोल गए, और मेरी जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि उनके इस यकीन को मैं पूरा करने की कोशिश करूँ। सरकार द्वारा मौजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत इसके विलादत के मौके पर आप सभी को आलम इस्लाम को बहुत धन्यवाद। सरकार के तालुक से कुछ कहना इस गुनगार के बस में नहीं है कि मैं अपने पाक की सीरत पर रोशनी डाल सकूं। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा उनका एहतराम है, सरकार द्वारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली, इसके बावजूद हम समझते हैं कि अब भी काम पूरा नहीं हो पाया। हमें ऐसा लगता है कि हम कश्मीर बना लेते हैं, इन सरकार ने जो एहकाम और ऐसा नहीं लाग पाते। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा था कि सिर्फ जश्न मनाना ही बहुत अहम नहीं है, साथ साथ सरकार की जो जिंदगी है जो उन्होंने हमें पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक और आने वाले आखिरत तक जो हमें पैगाम दिया उसको अमल करना वो बहुत ज़्यादा अहम जरूरी है, और साथ ही साथ ये हमें ही नहीं सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा गया, आलम इंसानियत के लिए भेजा गया, आलमीन बना के भेजा गया। तो हमें चाहिए वैसे मुसलमान के वैसे तो ईमान वाले के कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार के उन इजाजतों को और क्रायमल को जिंदगी में किस तरह से हमें जीना और मरना है उन चीज़ों को जो है अपने गैर मुस्लिमों भाइयों को भी पहुँचाने की कोशिश करें, लेकिन ये कोशिश तब मुमकिन होगी जब हम खुद अमल करेंगे। अगर हम अमल नहीं करते तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो अमाल में और फौर फेर में तजाद
हैं, हम दूसरों को भी इस बात का पाठ पढ़ाते हैं कि आप सरकार के बताए रास्ते में करो, लेकिन हम खुद चलते नहीं है।